जी अस्सलाम वालेकुम, होप एवरीवन इज डूइंग ऑल राइट। आज की वीडियो बनाने का मकसद सुफा इंटरनेशनल में स्टूडेंट इंटरनल्स एंड असेसमेंट्स को बयान करना है, डिस्क्राइब करना है कि किस तरह से ये इंटरनल्स मार्क किए जाते हैं और फर्दर यूनिवर्सिटी को भेजे जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को उनका फाइनल ग्रेड मिल सके। सबसे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो व्हाट वी रियली मीन बाय इंटरनल्स। ठीक है, इंटरनल से मुराद वो सेट ऑफ असेसमेंट्स है, वो अटेंडेंस का सिस्टम है जो स्टूडेंट्स का गेज किया जाता है थ्रू आउट द सेमेस्टर एंड देन वी फॉरवर्ड द ग्रेड टू The university। अब इन इंटरनल्स में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं ये आप पहले जान लें। इसके लिए हम सबसे पहले तो ये कि ये एक असेसमेंट का निज़ाम है, ये आपके जहन में क्लियर होना चाहिए, किसी किस्म का डाउट नहीं होना चाहिए कि जी मार्क्स रैंडमली लग के जा रहे हैं। ये वो प्रॉपर एक सिस्टम है जिसके तहत आपकी चीज़ें असेस की जा रही हैं। ठीक है, और इसमें याद रखिए द फाइनल मार्क्स, फाइनल एग्जाम मार्क्स एज वेल एज द प्रैक्टिकल मार्क्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द इंटरनल्स। ये आपकी यूनिवर्सिटी आपको सेपरेटली अलॉट करती है, सुफा ये मार्क्स आपको अलॉट नहीं करता। इंटरनल से मुराद हर नंबर्स हैं जो सुफा आपको अलॉट करता है, वो फाइनल एग्जाम्स और प्रैक्टिकल्स इसमें शामिल नहीं है। और याद रखिए कि इंटरनल्स आपके ग्रेड का एक मेजर चंक है जो सुफा आपको अलॉट करता है। अगर आप ये चंक मिस करते हैं तो आप कभी भी एक अच्छा ग्रेड ले ही नहीं सकते, क्योंकि यही वो चंक है जिसने आपके ग्रेड का एक बड़ा हिस्सा डिसाइड करना है। तो अगर आप एक डिसाइडिंग फैक्टर इग्नोर करेंगे तो ऑब्वियसली आपके लिए नुकसान होगा। अब इंटरनल्स में चीज़ें आती कौन कौन सी हैं? सबसे पहले इंटरनल्स में आपकी अटेंडेंस आती है। ठीक है, जो सुफा में रूल ये हमारा कि 75% अटेंडेंस इज मैंडेट। ठीक है, तो अटेंडेंस आती है सबसे पहले। फिर असाइनमेंट्स जो आपको क्लास के दौरान दी जाती हैं वो आपकी असेसमेंट्स इंटरनल्स का हिस्सा होती हैं। आपके क्विजेज जो आपको दिए जाते हैं, चाहे वो सीन हो, अनसीन हो, सरप्राइज हो, अनाउंस्ड हो, जो भी है वो सब आपके इंटरनल्स का हिस्सा होते हैं। इसी तरह जो आपका फाइनल टर्म का या सेमेस्टर का पूरे का प्रोजेक्ट है हर सब्जेक्ट का, वो आपके बेसिकली इंटरनल का हिस्सा होता है। और इसी तरह आपके मिड टर्म एग्जाम्स भी आपके इंटरनल्स का हिस्सा होते हैं। तो आपके इंटरनल्स के पांच कंपोनेंट्स हैं, अटेंडेंस, असाइनमेंट्स, क्विजेस, टर्म प्रोजेक्ट्स एंड मिड टर्म एग्जाम्स। ये पांचों कंपोनेंट्स मिलकर आपके इंटरनल्स को डिसाइड करते हैं। लेकिन याद रखिए इनकी वेटेज अलग अलग है। अब वो वेटेज कैसे है, हाउ डू वी डिसाइड अबाउट द वेटेज? नाउ द अटेंडेंस बेसिकली अकाउंट्स फॉर 10% ऑफ योर इंटरनल्स। तो आपके पूरे इंटरनल्स का 10% आपकी अटेंडेंस है, उसके अलावा 10% आपकी असाइनमेंट्स का वेट है, यानी कि जो आपको क्लास में असाइनमेंट्स दी जाती हैं वो आपके पूरे इंटरनल ग्रेड का 10% है, इट्स अ बिग चंक। आपके क्विजेस जो आपको क्लास में दिए जाते हैं वो आपके पूरे ग्रेड का, आपके इंटरनल्स का 10% है, अगेन इट्स अ वेरी हैंडसम चंक। और आपका जो टर्म प्रोजेक्ट है, ट्रस्ट मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन योर टर्म प्रोजेक्ट बिकॉज ये आपके ग्रेड का इट्स कंप्राइजिंग 20% ऑफ योर इंटरनल्स। सो दैट वुड मेक अ ह्यूज इंपैक्ट इफ यू लुक अपॉन इट फ्रॉम अ सिग्निफिकेंट पर्सपेक्टिव, कि अगर आप एक टर्म प्रोजेक्ट अच्छे से कर जाते हो तो बाय द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली आपका ग्रेड इससे बहुत बूस्ट होगा। ठीक है, एंड देन ये चारों मिला के 50% बनता है और बाकी का 50% इज अबाउट योर मिड टर्म। ठीक है, तो आधा ग्रेड आपका मिड टर्म डिसाइड कर रहा है और आधा इंटरनल्स डिसाइड कर रहे हैं। इसी से आप सोच लें कि अगर आप इंटरनल्स को मिस कर रहे हैं तो आप ग्रेड का कितना बड़ा हिस्सा वैसे ही बाय बाय कह रहे हैं उसको, कि कितना इंपॉर्टेंट है कि मिड टर्म के अलावा बाकी चारों पे भी फोकस किया जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, हम आपको वो फॉर्मूला कौन सा है जिसके तहत हम आपको ग्रेड करें, वो फॉर्मूला कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं सब बच्चों पे, ताकि क्लियर हो जाए कि किसको जो इंटरनल्स मिले हैं वो क्यों इस तरह से मिले हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला बेसिकली ये है कि आपका पूरा इंटरनल स्कोर जो है वो आपका 10% आपकी अटेंडेंस है। ठीक है, उसमें हम ऐड कर देंगे, यानी कि जो आपने पूरी क्लासेस, फॉर एग्जांपल 10 में से आपने 9 क्लासेस अटेंड की हैं, तो आपका 90% स्कोर बनता है। इस 90% का 10% आगे फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपने टोटल 10 असाइनमेंट्स किए हैं, उनके कोई हर असाइनमेंट के 10 मार्क्स से ये टोटल 100 मार्क्स बनते हैं, 100 में से आप जितने मार्क्स लेंगे उसका 10% आपका आगे ग्रेड में इंटरनल्स में जाएगा। इसी तरह क्विजेस के जितने आपने क्विज कंडक्ट आपने लिए हैं, जितने क्लास में आपके क्विज हुए हैं उसमें आप जितने उन क्विज के टोटल मार्क्स थे, फॉर एग्जांपल अगर आपके 5 क्विज हुए हैं टीचर ने लिए, हर क्विज के 20 मार्क्स थे, टोटल 100 नंबर बनता है, और इस 100 में से आपने क्विजेस में 50 मार्क्स लिए हैं, ये आपके इंटरनल्स में उसका 20% जाता है। ठीक है, इसी तरह आपका जो टर्म प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो आपके जितने भी मार्क्स का है उसका 20% आपका आपके इंटरनल्स में जाएगा। ठीक है, और आपका जो मिड टर्म है उसमें जितने आप मार्क्स लेंगे उनका 50% आपका मिड टर्म इंटरनल्स में जाएगा। तो ये पूरी एक इक्वेशन है जिसके तहत ये फॉर्मूला जो सॉफ्टवेयर है वो उठाता है और आपके ग्रेड्स को अकॉर्डिंगली आपको ग्रेड कर देता है। अब इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये उसका मैंने जो आपको डिटेल बताई है वो डिटेल भी आप देख लें कि 10% आपकी अटेंडेंस है, 10% आपकी असाइनमेंट्स हैं, 10% आपके क्विजेस हैं, 10% आपके प्रोजेक्ट, 20% आपके प्रोजेक्ट मार्क्स हैं और 50% आपका मिड टर्म है। ये वो फॉर्मूला जरा थोड़ा इलेबोरेटेड है ताकि आपको जरा समझने में आसानी हो जाए। अब देखिए इसकी एक सैम्पल एग्जांपल देखते हैं हम। ये एक स्टूडेंट है जिसके जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फॉर एग्जांपल पढ़ रहा था,
इसके पहले अटेंडेंस पे गौर कर लें, 18 में से इसने 14 क्लासेस अटेंड किए हैं, ठीक है, तो अब ये अटेंडेंस की परसेंटेज बनती है 78%। इसी तरह इसने असाइनमेंट्स जो इसकी 110 असाइनमेंट्स थी, उन टोटल असाइनमेंट्स का जो नंबर थे वो 120 बनते हैं, 12 नंबर की एक असाइनमेंट, एग्जांपल दे रहा हूं। अब इसने 120 में से टोटल जो लिए हैं वो 91 है, कुछ में ये एब्सेंट रहा, उसमें जीरो लगा होगा, लेकिन टोटल 91 लिए हैं, ठीक है, तो असाइनमेंट की परसेंटेज 76 बनती है। इसी तरह क्वेश्चंस, टोटल 250 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस हुए हैं, उसमें इसने 235 लिए हैं, 94% क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इसी तरह टर्म प्रोजेक्ट 160 नंबरों का था, उसमें से इसने 145 लिए हैं, वो भी 91% बनता है। मिड टर्म 100 नंबरों का था, उसने 81 लिए हैं, तो 81 बनता है। अब वो जो फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था वो इन सब पे अप्लाई होगा, 10 × 10 × 10 × 20 × 50, और एंड पे एक ओवरऑल परसेंटेज निकली है जो है 83.9। अब क्योंकि 83.9 ज्यादा है और 81 कम है, तो हम इंटरनल जो GCUF को भेजेंगे वो भी 83.9 ही है। अब ये एक अच्छा स्टूडेंट आप मान लें इसको, क्योंकि इसने सारी चीज़ों में अच्छा स्कोर किया है, मिड टर्म में भी ठीक स्कोर किया है। देखिए, इसने मिड टर्म में 81 लिए हैं, लेकिन इसके इंटरनल्स कितने जा रहे हैं, 83। उसकी वजह क्या है कि इसके अटेंडेंस, इसके असाइनमेंट, इसके कोर्सेज, हर चीज़ में इसका ग्रेड ठीक था, रीजनेबल था, हैंडसम था, तो उसको अच्छा ग्रेड इंटरनल्स का आगे गया। अब उसके बरक्स हम एक स्टूडेंट की एग्जाम्पल लेते हैं जिसने मिड दिया है, लेकिन वो असाइनमेंट्स नहीं करता रहा, वो क्लासेस में एबसेंट रहा है, वो क्विजेस भी ठीक से नहीं देता रहा, और उसका टर्म प्रोजेक्ट भी बस ठीक ही था। अब उसका एक एग्जांपल ले लें, उसने 18 में से 8 क्लासेस नहीं, उसका 44% अटेंडेंस है, और 120 में से उसके असाइनमेंट्स में 56 मार्क हैं, क्योंकि अक्सर में जीरो लगा हुआ है, और इसी तरह क्विजेस में उसके 250 में से 123 नंबर है, टर्म प्रोजेक्ट में 160 में से 78 मार्क्स हैं, और मिड टर्म में उसके 100 में से 67 है। तो आपका एक ओवरऑल परसेंटेज बना जो उसका क्या, अब देखें ओवरऑल वो फॉर्मूला लगा के जो उसका परसेंटेज है वो 57 बन रहा है, ठीक है। अब 57 नॉर्मली ये 57 जीसी को जाना था, लेकिन अब क्योंकि उसके मिड टर्म में 67 थे, तो अब जो जीसी को जाएगा, सिस्टम जो उठाएगा, दैट वुड बी 67%, नॉट 57%, ठीक है। अगर ये बच्चा अच्छा स्कोर कर लेता इन सब इंटरनल्स में, तो टेक्निकली उसकी ओवरऑल परसेंटेज यहाँ बढ़ जाती, और उसके मिड टर्म मार्क्स की बजाय उसके बेहतर मार्क्स जीसी को जा सकते थे, लेकिन उसने जो अपॉर्चुनिटी को मिस की, उसने इंटरनल्स पे ध्यान नहीं दिया। तो सॉफ्टवेयर ये रूल लगा हुआ है कि अगर उसके इंटरनल्स की वेटेज, इंटरनल्स उसके खराब है, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जो है वो उसके इंटरनल्स की बजाय उसके सिर्फ मिड टर्म के मार्क्स आगे भेज देगा। अगर उसके टोटल इंटरनल्स उसके मिड टर्म से ज्यादा बन जाते हैं, तो फिर उसके ओवरऑल इंटरनल्स जो है वो आगे चले जाएंगे। इससे आप अंदाजा लगा लें कि ओवरऑल इंटरनल्स कितने जरूरी हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब आपको एक चीज जो है मैं बड़ा जरूरी बता दूं, वो दैट इज योर अटेंडेंस, असाइनमेंट्स, क्विजेस एंड टर्म प्रोजेक्ट्स, ये आपके ग्रेड का आधा हिस्सा है। सो इफ यू मिस देम, यू आर टेक्निकली मिसिंग हाफ ऑफ योर अपॉर्चुनिटी टू गेट अ गुड ग्रेड। आप असाइनमेंट्स नहीं करते, क्विजेस नहीं करते, हमें मजबूरन आपके मिड के मार्क्स से आगे भेजने पड़ेंगे, और फिर मिड में आपका मिड अच्छा हो, आपका मिड बुरा हो, या आपकी लक है, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है जो बच्चे लेते हैं कि हम इंटरनल्स ना, वो क्विज पे फोकस ना करें, हम अटेंडेंस पे फोकस ना करें और मिड खाली दे देंगे। तो आपको अगर मिड देने की इजाज़त मिल भी जाए, जो कि हो सकता है अदारा आपको आपकी मजबूरी देखते हुए दे भी दे, लेकिन आपका ग्रेड इससे बहुत बुरी तरह अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि फिर आप सारा दारो मदार इनसार कर रहे हैं अपने मिड टर्म के ऊपर, विच ऑब्वियसली इज अ बिग बेट। इफ योर मिड टर्म सक्स, देन ऑब्वियसली योर ओवरऑल ग्रेड इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड। So stay assured that your internals basically are a good way to boost your grade, ठीक है। और एक चीज आपको और बता दीजिए कि without midterm you cannot appear for your finals. Your midterms are compulsory. You cannot appear for your final exams if you have not appeared in your midterm exams. ये तो रूल है, लेकिन जो सिर्फ मिड टर्म एग्जाम पे फोकस करते हैं और इंटरनल्स को इग्नोर करते हैं, वो ये जान लें कि दे कैन नेवर स्कोर अ गुड ग्रेड, शायद पास हो जाएं, वो भी धक्के से पास हो जाएं, बड़े मुश्किल से पास हो जाएं, लेकिन अगर अच्छा ग्रेड लेना है देन इंटरनल्स जो है ना, इंटरनल्स इज अ मस्ट, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है। आखिर में तो अच्छे इंटरनल्स अगर आपने स्कोर करने हैं, तो सिर्फ मिड टर्म पे फोकस नहीं करना, हमने भी क्या जाना है कि हमें असाइनमेंट्स, हमें क्विजेस, हमारे जो टर्म प्रोजेक्ट है, हमारी जो अटेंडेंस है, ये हमारे इंटरनल्स का आधा हिस्सा है। अगर हम इसमें गंदा ग्रेड लेंगे, तो फिर सिर्फ मिड हमारी किस्मत को डिसाइड करेगा, और मिड में ऑब्वियसली मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते होते अक्सर, क्योंकि खुद सोचते हैं कि आपके इंटरनल्स जो आगे जाएंगे, दे वुड लिटरली बी अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनल्स, एंड यू पीपल ट्राई एंड फोकस ऑन अटेंडेंस, असाइनमेंट्स, क्विजेस and term projects, because you should be aware that these things are going to contribute half of your grade to the university. So let's stay assured your internals are being marked properly, okay, through a system, and whatever is being forwarded to the university is going through a mechanism. So
please, it's not just something that I'm sharing with you. I'm actually warning you that if you do not focus on your internals, you're going to, you know, get a serious significant consequence, which obviously you guys would not desire. I hope you understand. Assalamu alaikum.